भाइयों, ये नर्मदा नदी का तट यहाँ श्राद्ध कर्म होता है और नौकायन की बहुत सुविधा है यहाँ पे। यात्रियों की सुविधा के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसके बाहर नाव भी तैनात की गई है। इस नाव के द्वारा श्रद्धालु अगर किसी संकट में हो तो उनको बचाया जा सकता है। चलो आओ नाव में बैठेंगे। ये बच्चे खेलते हुए, ये गरीब बच्चे धूल से खेल के अपना मन बहला रहे हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य माँ नर्मदा का दिखाई दे रहा है। पुल बना हुआ है, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? कहाँ रहता है? यहीं पे कहा, नदी पे ही रहता है क्या? नहीं, उधर घर है। गांव का नाम क्या है? केवट मोहल्ला। केवट मोहल्ला नेमावर। ये बच्चे यहीं के रहने वाले। ये पास में मंदिर बना हुआ है। ये पांडवों के समय का मंदिर बताते हैं इसको, जो गदाधारी भीम द्वारा निर्मित मंदिर है। इस मंदिर में बताया जाता है कि इसका मुंह गलत दिशा में हो गया था तो गदाधारी भीम के द्वारा एक ही रात में इस मंदिर का मुंह सही दिशा में कर दिया गया। क्या नाम है दादा इस घाट का? क्या नाम है? नेमावर घाट। तुम यहाँ क्या बकरी चराते हो, भगाते हो? अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। यहाँ से एक व्यू और देखिए आप माँ नर्मदा का। माँ नर्मदा के भरपूर दर्शन कीजिए आप, चारों तरफ का व्यू देखिए।
यहाँ पे एक वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष के नीचे बताते हैं पांडवों के द्वारा विश्राम किया गया था। अब मैं आपको मंदिर की ओर ले चलता हूँ। ये क्या है दादा, इधर क्या है ये? तुम नहीं रहते हो? नया है। छोटा सा मंदिर यहाँ पे शिव जी का। ये शिव जी का मंदिर। हनुमान जी गणपति जी का मंदिर। गणपति जी की अद्भुत मूर्ति, इसके दर्शन करें आप। नर्मदा तट पर विराजमान गणपति जी, ये पंडित जी कर्मकांड करते हो। ये पांडवों के समय के निर्मित मंदिर है। ये माँ नर्मदा का वो दृश्य देखिए, माँ नर्मदा मोक्षदायिनी नर्मदा, हर हर गंगे। मंदिरों के आस पास आपको भिखारियों की भीड़ अवश्य दिखाई दे, भिखारी सब बैठे हुए हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। एक भिखारी यहाँ बैठा हुआ है। अरे काहे की चप्पल? गौरव इधर आ रहे। ये पांडवों के समय का नंदी जी शिवलिंग का दर्शन कीजिए।
मंदिर के बाहर नक्काशी है।